ऐसे आपको मिथिला के लोग एक एक गांव में बुला के लुटाते हैं, और जो लोग आपका आंसू गिरा रहे हैं और जिनकी बातों से आपको बुरा लगा है, माता रानी उनका हिसाब करेंगी। ये लिख लीजिए, बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, शिवेश मिश्रा जिंदाबाद, शिवेश मिश्रा जिंदाबाद, शिवेश मिश्रा हमारे दिल में है, हमारे मिथिला के दिल में है, रहेगा। दो चार कुत्ता लुक करके बोलने से शिवेश मिश्रा की इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा के मुद्दे पे। तो गाइस, आप लोग को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप लोग को मालूम होगा कि समस्तीपुर में स्टेट प्रोग्राम हुआ था। तो स्टेट प्रोग्राम पे बुलाया गया था शिवेश मिश्रा, तो अक्षरा सिंह को बुलाया गया था, तो आई थी, तो इसमें दो घंटे का बात किया गया था प्रोग्राम में। उस मुद्दे पे जो आई थी, तो जरूर मैं कि 5 लाख रुपया उसे लिया गया था। वो आने के बाद 30 से 35 मिनट प्रोग्राम किया और बोला शेष कौन सी जगह पे ले आया कि इस जगह मेरे लायक स्टेट मेरे लायक नहीं है। तो फिर भी बोला कि इज्जत वाली बात है, सो बहन आप आ गए तो 2 घंटा प्रोग्राम कर दीजिए और फिर चले जाइएगा। तो आधे घंटे प्रोग्राम किया उस पे, और पवन सिंह का गाना बज गया स्टेज पे। तो पवन सिंह का गाना बजा तो उसके लिए भी मैटर गड़बड़ हो गया, तो अक्षरा सिंह को सही लगा नहीं। तो सही नहीं लगा तो अक्षरा सिंह जो अपना गाना गा रहे थे ना, तो उस पे अब इंसान तो प्रोग्राम जब होता है तो खुशी में लड़के लोग तो पैसे उड़ा देते हैं, पैसा उड़ाए तो उसको अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा अक्षरा सिंह को, तो मैं फेंक के ही चले गया। मैं फेंकने के बाद वो चले गया, तो वहाँ पे मैटर बहुत गड़बड़ हो गया था। तो इस मुद्दे पे जो है, तो रात भर तो प्रोग्राम हुआ, 5 लाख रुपया भी लिया गया था अक्षरा सिंह को, तो जो 2 घंटे का बात था 5 लाख रुपया का, तो 2 घंटे भी प्रोग्राम नहीं किया अक्षरा सिंह, तो चले गया। तो फिर जाने के बाद भी प्रोग्राम हुआ भरा, प्रोग्राम होने के बाद भी कल हो के भी अब शिवेश मिश्रा के ऊपर भी अभी मतलब सोशल मीडिया पर आप लोग देख ही रहे हैं कितना जोर शोर में अपना बातावास सब सब कुछ चल ही रहा, शिवेश मिश्रा को कितना तड़पाया जा रहा है। तो उसके शिवेश मिश्रा के जरिए से क्या है कि उस पर गाली गलौज भी बहुत इंसान कर रहे हैं। तो शिवेश मिश्रा का कहना है कि चलो 2 घंटे तो प्रोग्राम नहीं किए, 30 से 35 मिनट प्रोग्राम किए, शिवेश मिश्रा जिस तरह बोल रहा है 30 से 35 मिनट प्रोग्राम किए, तो मेरा कम से कम नहीं तो 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया दिए थे, 3 लाख रुपया वापस कर दीजिए, आपका जो चार्ज होगा आप रख लीजिए, 3 लाख रुपया मेरे को वापस कर दीजिए। इसमें से उसको 5 लाख ऐसे दिए गए थे, और 5 लाख देने के बाद भी उसको 51,000 रुपया अलग से दिए गए थे, जिसमें गाड़ी भरा था और बंसर का था, और इसमें हजट का टिकट था, तो उसका अलग से मतलब उसका पापा जो अलग से लिए थे, तो अलग से लेने के बाद तो 5 लाख रुपया ऐसे ले लिए, 51,000 वैसे ले लिए। तो शेष मिश्रा का नाम कि आप तो मैडम उतना प्रोग्राम किए नहीं, तो मैं फेंके चले गए, तो पैसा कौन भरेगा, अगला तो पार्टी दे नहीं रहा। तो फिर तो 3 लाख रुपया वापस कीजिए, और वापस नहीं कीजिएगा तो इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे। तो शेष मिश्रा के ऊपर क्या है कि सब वीडियो बना बना के गाली वाली देता है, तो ये सब सही नहीं लगता है। किसी भी इंसान को इतना तड़पाना नहीं चाहिए। अभी आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में देखिए शेष मिश्रा नगमा गाँव में पहुँचा हुआ है। नगमा गाँव में पहुँचने के बाद वहाँ पर वीडियो बनाया, वीडियो बनाने पर नगमा गाँव का जो इंसान लोग थे उस वीडियो में देखिए अब क्या बोला। वहाँ पर शेष मिश्रा इतना इमोशनल होकर जो है उसके आंसू गिर रहा। आप लोग बताइए कि इस मुद्दे पे क्या किया जाएगा, इसको तो सही अक्षरा सिंह को 3 लाख तो वापस लौटा देना चाहिए, ये तो गलत किया ही अक्षरा सिंह, गया प्रोग्राम नहीं किया, मैं टिक चले आया, तो ये तो गलत किया। तो इस मुद्दे पे अक्षरा शेष मिश्रा को कहना है कि मुझे 3 लाख रुपया दे दे, मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसी बात का यह है कि वहाँ उसको बहुत तरह से गाली गलौज किया जा रहा, तो इसी नगमा गाँव में गया हुआ था, तो फिर वहाँ वीडियो में आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, उस वीडियो में देखिए ना भैया, हम लोग सामान्य मध्यम वर्गीय किसान हैं, हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम लोग 10 लाख रुपया अगर किसी प्रोग्राम में खर्च करते हैं और उसके बाद अक्षरा सिंह जी जैसे कलाकार को बुलाते हैं, और भगवान कसम अगर पता रहता कि शिवेश मिश्रा जी को साटा करने के दौरान अगर अक्षरा सिंह इस तरह से समझिए कि गाली दे करके बात कर रही है, तो वैसी वैसी नचनिया को हम लोग अपनी माटी पे नहीं बुलाते, कभी नहीं बुलाते। लेकिन नहीं जानते थे ये आदमी अपने दिल में सारा चीज रखता गया, इसीलिए कि लगमा के लोग हम पे भरोसा करते हैं, उनको ला करके देना। और अंतिम बात कहना चाहेंगे भैया कि इतना मेहनत से सारा चंदा करके लोग पैसा इकट्ठा करके प्रोग्राम करवाते हैं,
तो पूरे लगमा के तरफ से आज हम लोग जो भुगत रहे हैं एक नचनिया की वजह से, आज एक बड़ा कलाकार रो रहा है लगमा गांव में आकर के, पूरे गांव के लोग उदास हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं। इसीलिए कभी भी नाच का साटा कीजिएगा भैया तो सोच समझ के कीजिएगा और देख सुन के कीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो अक्षरा सिंह जी को बुलाने के चक्कर में आज जो दुख, आज जो गाज, आज जो पैसा हम लोग पूरे गांव का लेकर के भाग गई अक्षरा सिंह, आपका गांव का लेकर के नहीं भाग जाए। इसलिए साटा करने से पहले भैया अक्षरा सिंह जी को जरूर याद रखिएगा कि लगमा गांव में क्या की, इतने भोले वाले सज्जन अच्छे कलाकार के साथ कैसा व्यवहार की। सोचिए एक आदमी जिसका फेसबुक यूट्यूब पर हर एक वीडियो मिलियन में जाता है, लाखों करोड़ों लोग देखता है, एक व्यक्ति जो आज स्टार कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस तरह अपडेट आता है उस तरह मैं बताते रहूंगा आप लोग को। मेरे चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए जय हिंद।